हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीएस क्रक्स। मैं हूं दीपशिखा गुप्ता। आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है खादी प्राकृतिक पेंट। ये यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स और यूपीएससी जीएस पेपर सेकंड पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खादी प्राकृतिक पेंट जो है रिसेंटली लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू, और इसे डेवलप किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने। खादी प्राकृतिक पेंट जो है इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट है, और इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल हैं प्रॉपर्टीज हैं, और इसे सर्टिफाइड किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में काम करती है, और ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है 1986 के एक्ट के थ्रू अधिनियम के थ्रू फॉर्म हुई थी, और ये इफेक्ट में आई 23 दिसंबर 1986 में। और इसका जो वर्क होता है क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना गुड्स को। खादी प्राकृतिक पेंट जो है ये टू फॉर्म्स में अवेलेबल है, डिस्टेम्पर पेंट एंड प्लास्टिक एमल्शन पेंट। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट यूज किया गया है वो काउडंग, और ये पेंट जो है कॉस्ट इफेक्टिव है एंड ऑर्डरलेस है, यानी बिना गंध की। ये पेंट जो है खादी प्राकृतिक पेंट, इसमें जो हैवी मेटल्स नहीं है जैसे लेड मरकरी क्रोमियम आर्सेनिक कैडमियम एक्सेट्रा। और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है लोकल एम्प्लॉयमेंट में सस्टेनेबिलिटी क्रिएट होगी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है बूस्ट होगा। और ये टेक्नोलॉजी जो है काउडंग एज ए रॉ मटेरियल जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में यूज होगा उसके कंजम्पशन में इंक्रीज होगा, और जो रेवेन्यू एडिशन जो है जनरेट करेगा फार्मर्स और गौशालाज में। और ये एस्टिमेशन हो रहा है इसमें ये एडिशनल इनकम जो है 30,000 अप्रॉक्स पर एनम पर एनिमल टू फार्मर्स और गौशाला जो है जनरेट करेगा। और काउडंग एज अ मेन इंग्रेडिएंट्स जो इसमें यूज हुआ है इसकी वजह से तो एनवायरनमेंट जो है क्लीन रहेगा और क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स प्रिवेंट होगी। क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स यानी जो नालियां जाम हो जाती हैं। ये था हमारा खादी प्राकृतिक पेंट के बारे में। अब देखते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जिसने इसे डेवलप किया है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अप्रैल 1957 में फॉर्म हुई थी। स्टैट्यूटरी यानी लीगल एज पर एन RTI बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये एक्ट के थ्रू आई थी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। RTI क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था ये। और इसमें क्या होता है, इसमें रूल्स एंड प्रोसीजर सेट होते हैं सिटीजन्स के लिए उनके राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का जो मेन एम है, विजन है, रूरल एरियाज में जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट के लिए अदर एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करके उनको और भी ज़्यादा प्लान प्रमोट करके फैसिलेट करके उनको एस्टेब्लिश और डेवलप्ड करना मेन इनका एम है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज को डेवलप करना। अप्रैल 1957 में इसने ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड को टुक ओवर कर लिया था, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का जो हेड ऑफिस है मुंबई में है, और इसके 6 जोनल ऑफिसेज हैं दिल्ली भोपाल बैंगलोर कोलकाता मुंबई एंड गुवाहाटी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक खादी प्राकृतिक पेंट, और फिर मिलते हैं हम आपसे नए टॉपिक के साथ। और प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।